हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग मैं बड़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ, 7:15 बज गए हैं शाम के। आज कल ना पूरा दिन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा आज का जो रूटीन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हुआ हुआ था। जाना कि बाबा के साथ ज़्यादा टाइम गुजारती हूँ, कमरे में बैठी रहती हूँ उनके पास, तो इसमें ये होता है कि टाइम नहीं मिल रहा होता मुझे ना बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करने का। लेकिन वो कमी महसूस हो रही होती है। और आजकल जिस तरह से आप लोग उस व्लॉग को देखते हैं, इतना पसंद कर रहे हैं ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बार बार आपके साथ बात कर लूँ। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है फिर मैं कैमरा लेके बैठ जाती हूँ और आपसे गप्पे लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो आज जनाब मेरी एक और फैमिली फ्रेंड जो है हमारे, वो आए हुए थे हमारे घर, और वो इतने मज़े के चपली कबाब बना के लाए। ये देखें, ये बचे हुए पड़े हैं, हमने उनके होते ही गर्मा गर्म खाए चपली कबाब। और ये भी लेफ्ट ओवर हैं, तो ये रात को ना जिससे इसने खाने होंगे यही दे दूंगी नान के साथ। तो वो नान भी लाए थे, चपली कबाब भी लेके आए हैं, और साथ में रायता वगैरह बना के लाए थे। इतने प्योर जैसे होते हैं ना वो पिशावरी चपली कबाब, वो बिल्कुल वैसे हैं, मोटे मोटे। ये देखें, चेक करें कितना मोटा चपली कबाब है। ये देखें, हाय हाय, ये प्याज है, ये देखें, मज़ेदार चपली कबाब हैं। ये चपली कबाब थे, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर पूरा मेस है कि मैंने क्या क्या कुछ सर्व किया उनको। और अभी बस घर की थोड़ी सी क्लीनिंग श्लीनिंग करते हैं, और आपको बड़ी मज़े की एक बात पहले दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। ये चपली कबाब, और ये मैंने साथ केक रखा था, मैंने एग बॉयल किए थे साथ, मैंने जो मेरी कल फ्रेंड देके गई थी ना शीर खोरमा, मैंने वो सर्व कर दिया था साथ में। ये चीज़ें हैं जो मैंने सर्व की थी। एक बड़ी मज़े की बात दिखाऊँ, एक सेकेंड है, ये ज़रा चेक करें, ये अंडा देख रहे हैं, कच्चा अंडा पड़ा हुआ है। हुई क्या है मेरे साथ, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये कच्चा अंडा है, और अब मैं आपको ना डिटेल बताती हूँ कि मेरे साथ हुई क्या है। अच्छा, हुई क्या कि ना मैंने ना जब हमारे फ्रेंड्स आए ना, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स लिए, एक चपली कबाब लिए, बर्तन लिए, जूसेस लिए, और मैं लेके ऊपर चली गई। और मैं ना जल्दी जल्दी मैंने क्या कि मैंने अंडे ना रख दिए मेरे इंस्टेंट पॉट के अंदर कि वो बॉयल हो जाए। इंस्टेंट पॉट में मैंने अंडे रखे, मैं ऊपर चली गई। और मैं ऊपर जब गई हूँ और हमने ये चपली कबाब वगैरह खाया, मैंने कहा जाऊँ नीचे चाय वगैरह बनाती हूँ, और साथ में ना नान पकौड़ा भी मैंने बनाया था, तो मैंने कहा नान पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ, अंडे वगैरह छीलती हूँ, केक कट करती हूँ, शीर खोरमा वगैरह निकाल के ना ट्रे बनाती हूँ, फिर ऊपर लेके जाती हूँ। तो मेरी फ्रेंड भी नीचे आ गई, वो ब्लॉग देखती है उनको पता होगा, वो बड़ा हमने कल इन्जॉय किया। मैंने उसको ना इंस्टेंट पॉट खोला और मैंने ना खोल के ना उसको अंडे निकाल के ना एक बोल में दी, मैंने कहा अरे इस अंडों को छीलो, तो वो छीले, कहती है गुल ये अंडे बहुत ज़्यादा ना ढीले हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं भी ताज़ा ताज़ा मैंने उनको किया बॉयल किया तो इसलिए ढीले होंगे। लेकिन वही क्या हमारे साथ हुआ, ये कि मैंने ना वो अंडों का टाइमर ही नहीं लगाया, और उस बेचारी ने छीला ना, तो प्लेट में वो कच्चा अंडा, कहती है तो कहती है गुल इसके अंदर तो पूरा का पूरा ना कच्चा अंडा है। मैंने कहा हाय अल्लाह, मैंने टाइमर नहीं दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने 8 मिनट का टाइमर लगाया, 9 मिनट का, और मैंने साथ चाय बनाई, मैंने पकौड़ों का मिक्सर बना के रखा हुआ था, तो मैंने नान पकौड़ा जल्दी से बना लिया, और साथ में चीज़ें मैंने सर्व की, और फिर मैंने जाके ना वो चीज़ें दी उनको। अब ये बच्चे ऊपर से ना बर्तन शर्तन लेके आ रहे हैं, क्यों है इधर छह कोल्ड ड्रिंक है, ये बैबलस आई है, जरा देखना ये जरा ना खाए। तो बस है ना, अब ये था जी आज की थोड़ी सी अपडेट्स। और अब मैंने क्या, इसकी थोड़ी सफाई करनी है, रात को कुछ चपली कबाब पड़े हैं, कल का पिज्जा वो देखें वो पड़ा पिज्जा बॉक्स, तो ये पिज्जा बॉक्स भी पड़ा हुआ है, तो देखते हैं पिज्जा बॉक्स के अंदर पिज्जा भी है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। ठीक है, खा ले कैसा है, इतना पिज्जा पड़ा लेफ्ट ओवर, ये देखें, ये तकरीबन पूरा पिज्जा है, अल्लाह मेरी आंख में ना लग जाए, एक स्लाइस कम, ये पूरा पिज्जा है। तो ये पिज्जा भी पड़ा है, चपली कबाब भी है, मेरे पास सालन भी पड़े हैं एक दो, जो मेरी फ्रेंड कल खाना दे गई थी वो भी पड़ा है, लेकिन अब वो कल इंशाल्लाह करके खिलाऊंगी, अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो चलिए, अब मैं इसकी जल्दी से करती हूँ क्लीनिंग, उसके बाद आके आपको मिलती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो जाना कि बाबा की हेल्थ की भी आपको अपडेट दूंगी, लेके जाती हूँ ऊपर, फिर उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। चले जी, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सी मेटा समाटी करें, और फिर उसके साथ मैं चीज़ें भी आपको दिखा दूँ, क्या करना है क्या नहीं करना मुझे। एक सेकेंड, चलिए इधर, ये केक बचा हुआ पड़ा है, इतना ज़्यादा केक है तो मुझे बड़ा पसंद, थोड़ा खा लेती हूँ, मज़ेदार है ये बनाना ब्रेड, याद है ना मैं लास्ट टाइम लेके आई थी, तो उसके बाद ये मेरा थर्ड केक है, मज़ेदार है ये, इसका बचा हुआ ये
के अंदर डाल के रखते हैं इसको। नजर आ रहा है आपको? ठहरे, अब नजर आ रहा होगा। तो ये सारे पीसेस हम इसके अंदर डालते हैं। मजे का है ना। अच्छा, मेरे घर में ना सब नहीं खाते, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, इसलिए बचा हुआ। मुझे तो ना समझ नहीं आती लोग खाते हुए ना ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। मैं तो मुंह में नवाला हूं ना, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं लोगों की देखती हूँ व्लॉग्स, लोग लाइव बैठे होते हैं, खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं, और मुंह के अंदर उनके नवाले हैं। पता नहीं कैसे खाते हैं, मुझसे नहीं खाया जाता। इतना गार्बेज, ये गार्बेज। मेरा वाइफ किधर गया? ये है वाइप्स रखे हुए थे क्लीनिंग के लिए, ये देखें। चलें, ये इस कंटेनर में मैंने रखी, मैंने इसको ना फ्रिज में रखना है ताकि ना ये कुछ दिन फिर ठीक रहे। चलें, इसको इधर रखा है। अब मैं आपसे थोड़ी देर के बाद दोबारा आके मिलूंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी ना आपको अपडेट्स दे रही हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। ये देखें, मैंने ये बर्तन लगा दिए डिश वॉशर में, क्योंकि आपको पता है जब भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि बर्तन डिश वॉशर में ही जाएँ। रात को हम जब डिनर कर लेंगे ना तो फिर वहाँ पे वो बर्तन जाएंगे, फिर मैं इसको रात को चलाऊँगी। ये देखिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये कितना गंदा हो जाता है। चलें देखते हैं, ये हो गया। ये हमारा टॉवल भी ये पड़ा है, इसको भी मैं यहाँ लटका दूँ। ये हो गई किचन, हमने क्लीन कर दिया यहाँ पे। ये मैंने रखे हैं चपली कबाब, क्योंकि अभी हम लोग खा लेंगे और बस। ये छोटे छोटे काम हैं जो मैं साथ साथ कर रही हूँ, इसको भी मैंने चेंज करना है। देखिए रेड हो रही है इसकी लाइट, इसको चेंज करेंगे और खाना वगैरह बच्चों को खिलाऊंगी। मज़ेदार से काम। मम्मी बैठी हैं पीछे, ये देखिए अम्मी बैठी हैं, ये देखें। अम्मी इस वक्त यहाँ पर रिलैक्स होकर बैठती हैं। अच्छा, ये देखें, मैंने जलाया था तकरीबन 3 बजे, और ये अगर आपको नज़र आ रहा है, इसका अभी भी स्मोक आ रहा है। अभी भी इसका ना मज़े का ना माहौल में ना वो एक अच्छी सी एक फ्रेगनेंस है घर में। आजकल मैं बहुत ज़्यादा चला रही हूँ, क्योंकि घर में गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं, तो ये तकरीबन मैं पूरा दिन इसको चला ही रखती हूँ। वो मैंने नहीं चलाया है, क्या कहते हैं, बखूर, क्योंकि उसका मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर जलाऊँगी। और इसके बाबा को भी मैं बेड पे बिठा के आई हूँ। मैंने कहा चले थोड़ी देर आप बैठे, उसके बाद फिर हम लोग ना खाना शाना खा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरी, आप लोगों की दुआएँ आपकी मोहब्बतें, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए, यकीन करें मेरा दिल चाहता है कि मैं रोज़ इस तरह का ब्लॉग बना कर सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। इतने प्यारे मैसेजेस। अब मैंने ना फर्स्ट टाइम लाइक मैंने ज़िंदगी में, अच्छा मेरा यूट्यूब का, मेरी जॉब का, मेरी पढ़ाई का, ये पूरा कनेक्शन कोई भी ना, तो जाना कि बाबा उसके साथ कोई ज़्यादा उस तरह से इंटरेक्शन उनका नहीं होता, वो कोई इंटरफेयर नहीं करते, सारी चीज़ें मेरी मर्ज़ी की होती हैं, जो मुझे करना है मैं वो करती हूँ। इस दफ़ा मैंने जो व्लॉग बनाया ना, 2-3 जो मैंने इसके बाबा की बीमारी के बाद बनाया, मैं कल आई, जब मैं कॉन्फ्रेंस से वापस आई थी तो मैंने अपना फ़ोन दिया था जाना के बाबा को, क्योंकि वो यूट्यूब स्टूडियो पर, मैंने उनको बोला कि सारे के सारे आप मैसेजेस पढ़ें। उन्होंने सारे मैसेजेस पढ़े और वो इतने इमोशनल, कहते हैं भाई इन सबको तुमने ना जवाब देना है। मैंने कहा देखिए जवाब तो बहुत लाइक हंड्रेड्स ऑफ हैं मैसेजेस, मैंने सबके मैसेजेस पढ़े, मैंने उनको लाइक किया है ताकि उनको पता चले कि मैंने उनको पढ़ लिया है, लेकिन मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। हाँ, जिन लोगों ने मुझे किया था मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे ना वॉइस नोट छोड़ने की ऑप्शन होती है, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, जो भी मुझे मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनको वॉइस नोट छोड़ देती हूँ। मुझे वॉइस नोट करना अच्छा लगता है या ईजियर लगता है देन के मैं चैट करूँ। और फिर वो जब वो उर्दू में आप लिखते हैं ना रोमन में, तो वो बड़ा वो ऑटो करेक्शन में, वो मुझे इतनी देर लग जाती है उसको लिखने में, तो और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कोई भी बात कोई भी चीज़ में से मिस हो जाए, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँ। आप लोग मुझे वहाँ पर मैसेजेस करें तो मैं फ़ौरन से उसका रिप्लाई करती हूँ। मैसेजेस जो होते हैं या कॉमेंट्स जो होते हैं यूट्यूब के, उसमें थोड़ी सी देर सवेर हो जाती है, लेकिन वो आप समझे थोड़ा आजकल वो स्केड्यूल कुछ ऐसा है। अभी मैंने घर की सफाइयाँ कर ली हैं, काम शाम हो गए हैं, अब तकरीबन हो गए हैं 7:45 का टाइम है, और मैंने 8:30 बजे इनको खाना खिलाना है, और वो खाना शाना खिलाऊंगी, फिर बस मेरा आज का दिन डन। लॉन्ग वीकेंड है, मंडे हमारा ऑफ है, तो बस आज भी सोएंगे, सुकून से सोएंगे और मज़ा करेंगे। सोच रही थी कि मैं आज या कल में ना किस दिन लाइव आ जाऊँ, हो सकता है आज ही आ जाऊँ, हो सकता है कल आ चुकी हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग अगले दिन जाएगा।
अगर मेरे पास शाम में टाइम हुआ तो मैंने आज सोचा हुआ था, क्योंकि आपको बता चुकी ये ब्लॉग मैं एक दिन पहले लगा बनाती हूँ, नेक्स्ट डे आप लोग देखते हैं। लाइक मैं ये संडे को बना रही हूँ, आप लोग मंडे को देखेंगे। तो संडे की रात को मेरा दिल है कि मैं लाइव चली जाऊँ, अगर मेरे पास टाइम हुआ। जाना कि बाबा खैर से सो गए तो फिर मैं नीचे आके ना यहाँ पे बैठ के थोड़ा लाइव आ जाऊँगी आप लोगों के लिए, ताकि हम लोग थोड़ी सी अच्छी सी गपशप भी लगा लें। तो चले बस जनाब, ये था जी आज का ब्लॉग। आजकल मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसे वन टू वन बात की जाए, वॉइस ओवर ना करूँ, क्योंकि मुझे लगता है इससे आपका ना कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ज़िंदगी में ना ये कनेक्शन जो है ना, ये बड़े ज़रूरी हैं। और इस कनेक्शन के लिए जो आपका प्यार है, जो आपकी मोहब्बत है, उसके लिए मैं कैमरा उठाती हूँ और मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। मैं ज़रा चेंज वगैरह करके तैयार श्यार हो जाती हूँ अब थोड़ा, क्योंकि माशाल्लाह इसके बाबा बेहतर हो रहे हैं, तो अब थोड़ा दिल खुश है मेरा। अब मैं थोड़ा, मुझे लग रहा है कि खैर से रिकवरी हो रही है, डे बाय डे चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बेहतर होती जाएंगी। खैर रखे अल्लाह, आप लोग दुआएं करते रहिएगा, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत। और अब तो दजाना के बाबा का मैं सोच नहीं कि मैंने उनका ना फेस रिवील कर देना, ये मैं अब आपको बता रही हूँ। कभी आप सून देखेंगे, बस आप दुआ करें थोड़ा जल्दी ये रिकवर हो जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाबा का फेस भी, और उसके बाद उनको भी ब्लॉग में लेके आएंगे। मैंने उनको बात नहीं की, मैं खुद से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोग डिजर्व करते हैं। अगर आप लोग इतना प्यार देते हैं, एक ऐसी चीज है जो जिसके कभी आपने उनको देखा नहीं है, कभी उनकी बात नहीं सुनी, कभी आवाज़ नहीं सुनी, और आप लोग उनके लिए इतनी मोहब्बतें, इतनी दुआएं आपकी, तो भाई आप डिजर्व करते हैं। मैंने अब उनसे भी बात नहीं की, बल्कि अभी जाऊंगी तो उनको कहूंगी कि मैंने बोल दिया मैंने आपका फेस रिवील करना है, तो अब तैयार हो जाएं फेस रिवील होने के लिए। इंशाल्लाह ताला जैसे थोड़े से बेहतर होते हैं तो फेस रिवील करेंगे, फिर मैं आपको अपनी शादी की पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, आपको अपनी शादी की स्टोरी भी सुनाऊंगी। और बहुत, क्योंकि अब वो ना ये इस वीक के बाद ना आपका और जो मेरा कनेक्शन है वो बड़ा डिफरेंट हो गया है। अब मैं आप लोगों को ना बहुत दिल के करीब महसूस करती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते रहे, मैंने अभी तक नहीं दिखाई थी। इंशाल्लाह ताला सून ये सारी चीज़ें आएंगी, वन बाय वन आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। तो चले जनाब, यहाँ पे मिलूंगी आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए मज़े के व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।